पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे माई की छोटी बहन नोदुका अपने एडोलेसेंट सिंड्रोम के चलते माई के साथ अपने बॉडी स्वैप कर लेती है। इसी बीच माई को अपने एजेंसी की तरफ से एक कॉल आता है और माई को पता चलता है कि कैसे लोगों को पता चल गया है कि एक्ट्रेस माई का एक बॉयफ्रेंड है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम माई को देखते हैं जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है। रिपोर्टर्स माई से साकुता के बारे में पूछते हैं कि वो उससे कैसे मिली। माई उन्हें बताती है कि साकुता उसी स्कूल में पढ़ता है जिसमें वो पढ़ती है और वो उसका जूनियर है। माई आगे बताती है कि कैसे साकुता ने पूरे स्कूल के सामने अपना लव कॉन्फेस किया था। माई ये कहते हुए शर्माने लगती है। एक रिपोर्टर ये देख लेती है और माई से कहती है कि उनका चेहरा थोड़ा लाल दिख रहा है। माई ये सुनकर कहती है वो इतने लोगों के सामने अपने पहले बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही है इसलिए वो थोड़ी शर्मा रही है। हम देखते हैं कि कायदे ये सब टीवी पर देख रही होती है। वहीं माई अपने एक्टर्स डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से माफी मांगती है ये कहते हुए कि हमने अभी अभी ही फिल्म की शूटिंग शुरू किया था और आप लोगों को मेरी वजह से परेशानी हुई। डायरेक्टर सुनकर कहते हैं कि कैसे प्रोड्यूसर बता रहे थे कि अब उन्हें अपनी फिल्म को प्रमोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि माई ने ये काम पहले ही कर दिया है। माई आगे बताती है कि कैसे अगर वो साकुता से नहीं मिली होती तो वो आज ऐसे कैमरों के आगे खड़ी नहीं होती। वो बताती है कि साकुता ही वो व्यक्ति है जिसने उसे शो बिजनेस में वापस आने के लिए मोटिवेट किया। माई सभी न्यूज रिपोर्टर से एक रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कि साकुता एक साधारण सा लड़का है और उसका शो बिजनेस से कुछ भी लेना देना नहीं है इसलिए वो सभी से ये रिक्वेस्ट करती है कि कोई भी उसको प्राइवेट लाइफ में ताका झाकी ना करे। टीवी पर माई को ऐसे बात करते देख कायदे भी थोड़ी मोटिवेट हो जाती है और वो अपने कुछ गोल सेट करती है। स्कूल के बाद साकुता और माई साथ में घर जा रहे होते हैं। साकुता माई की तारीफ करता है ये कहते हुए कि वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत ही प्यारी लग रही थी। साकुता कहता है कि वो इस पूरी दुनिया में सबसे खुशकिस्मत इंसान है जिसके पास माई जैसी गर्लफ्रेंड है। माई ये सुनकर साकुता से कहती है कि वो सोच भी नहीं सकता कि वो उससे कितना प्यार करती है। वहीं साकुता ये सुनकर कहता है कि मुझसे ज्यादा नहीं। इस पर माई कहती है ये तो समय आने पर पता चल ही जाएगा। खैर इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद साकुता को अपने लेटर बॉक्स में एक लेटर पड़ा मिलता है और ये लेटर बड़ी सोको का यानी साकुता की पहली क्रश का है। साकुता लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा था कि सोको उससे कल शाम को मिलना चाहती है। साकुता को लगता है कि ये लेटर छोटी सोको ने भेजा होगा क्योंकि वो भी कुछ दिनों से उनसे मिलने नहीं आई है। अगले दिन साकुता फुतावा से मिलता है। वहीं फुतावा साकुता से पूछती है कि क्या पूरी दुनिया की मुसीबत सिर्फ उसके ही घर का रास्ता जानती है। साकुता ये सुनकर कहता है इस बार उसे एक लेटर मिला है वो भी बड़ी सोको की तरफ से। फुतावा वो लेटर देखती है और साकुता से पूछती है कि क्या इसके बारे में माई सेनपाई को पता है। साकुता नहीं कहता है। वही फुतावा ये सुनकर साकुता से पूछती है कि कहीं वो माई के साथ चीट करने के बारे में तो नहीं सोच रहा। साकुता मना कर देता है। साथ ही वो कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो माई से इस बारे में कैसे बात करे। फुतावा कहती है शायद तुम्हें माई को बता देना चाहिए क्या पता वो तुम्हें सजा के तौर पर कोई रिवॉर्ड दे दे। इस पर साकुता कहता है मुझे डर है कहीं वो मेरी पहली क्रश से मिलने के बारे में सुनकर दुखी न हो जाए। साकुता देखता है कि फुतावा अपने फोन पर किसी से चैट कर रही है और जब वो पूछता है तो फुतावा बताती है कि वो उनके बीच हो रहे बातचीत को माई को बता रही है और माई जल्द ही यहाँ पहुँचने वाली है। फुतावा वहाँ से चली जाती है। वहीं साकुता उसे रोकने की कोशिश करता है और तभी वहाँ माई आ जाती है। माई साकुता से पूछती है कि क्या वो 6 बजे से पहले वापस आ जाएगा। साकुता ये सुनकर हैरान हो जाता है। वहीं माई बताती है कि वो आज उसके लिए डिनर बनाएंगे। साकुता ये सुनकर कहता है कि वो जल्द से जल्द आने की कोशिश करेगा। साकुता माई से पूछता है कि क्या वो उससे नाराज है। माई नहीं कहती है। साथ ही वो कहती है कि वो जानना चाहती है कि छोटी सोको और बड़ी सोको के बीच क्या रिश्ता है। माई आगे साकुता से कहती है कि सोको ही वो लड़की है जो तुम्हारे मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ी थी इसलिए मैं नहीं चाहती कि आगे चलकर तुम्हें इसका कोई पछतावा हो कि तुम मेरी वजह से उस लड़की से नहीं मिल पाए जो तुम्हारे मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ रही। साकुता ये सुनकर खुश हो जाता है और वो भागते हुए खिड़की के पास जाता है और जोर से चिल्लाता है। माई ये सुनकर शर्मा जाती है और साकुता को अंदर खींच लेती है। वो कहती है कि वो अपना प्यार किसी दूसरे तरीके से भी जता सकता है। साकुता ये सुनकर माई को किस करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन माई उसे रोक देती है और कहती है कि भला मैं ऐसे बॉयफ्रेंड को किस क्यों करूंगी जो अपने एक्स से मिलने जा रहा है। साकुता कहता है पर आपने तो इसके लिए परमिशन दे दिया था ना। माई ये सुनकर कहती है ये और वो अलग अलग हैं। छुट्टी के बाद साकुता माई के साथ घर जा रहा होता है लेकिन तभी उससे एक लड़की मिलने आती है। इस लड़की का नाम कोतमी कानो है और ये कायदे के बचपन की दोस्त है। कोतमी कहती है कि वो साकुता से कुछ बात करना चाहती है। साकुता ये सुनकर माई से एक रिक्वेस्ट करता है ये कहते हुए कि क्या वो उसके बदले सोको से मिलने जा सकती है। माई साकुता के रिक्वेस्ट को मान लेती है और सोको से मिलने के लिए वहाँ से चली जाती है। साकुता और कोतमी कैफे में बैठकर बातें करते हैं।
कोदेमी पूछती है कि कायदे अब कैसी है। वहीं साकुता बताता है कि कायदे अब ठीक है, पर आजकल उसे अपने घर इतना पसंद आ गया है कि वो घर से बाहर आना ही नहीं चाहती है। कोदेमी यह सुनकर कहती है कि वो कायदे के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। कोदेमी आगे बताती है कि कैसे कायदे के स्कूल छोड़ने के बाद स्कूल में बुलिंग एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई और सभी उन लड़कियों को बुरा भला कहने लगे जिन्होंने कायदे को बुली किया था, और उन लड़कियों ने भी स्कूल आना बंद कर दिया। कोतमी कहती है वो कायदे के बेस्ट फ्रेंड होते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाई। सकुता कोतमी से कहता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। कोतमी सकुता से पूछती है कि क्या वो कायदे से मिल सकती है, जिस पर सकुता कहता है ये थोड़ा मुश्किल है। और तभी सीन चेंज होता है, हम माई को देखते हैं जो कि सोगो का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ सकुता पहुँच जाता है। माई सकुता से कोतमी के बारे में पूछती है, वही सकुता बताता है कि वो कोतमी को स्टेशन तक छोड़ आया। माई ये सुनकर वहाँ से जाने लगती है। वही सकुता कहता है कि वो भी घर जा रहा है। माई सकुता से पूछती है कि क्या वो सोगो से नहीं मिलेगा, जिस पर सकुता कहता है कि अभी शाम हो चुकी है और पता नहीं वो कब तक आएगी। सकुता बीच पर एक मैसेज लिखता है, वो लिखता है कि अब उसकी एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड है। घर पर सकुता कपड़े पहन रहा होता है और तभी उसके पास कायदे आती है। सकुता कायदे को बताता है कि आज उनके लिए डिनर माई बनाएंगे। कायदे यह सुनकर खुश हो जाती है, पर साथ ही वो सकुता से कहती है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है। कायदे सकुता को अपना नोटबुक दिखाती है जिसमें उसके कुछ गोल्स लिखे होते हैं, जैसे वो अपने बड़े भाई के साथ बाहर जाना चाहती है, वो उसके साथ बाहर घूमना चाहती है, वो बीच पर जाना चाहती है और भी बहुत कुछ। सकुता ये देखकर पूछता है कि क्या कोई ऐसा काम है जो तुम मेरे बिना नहीं कर सकती। कायदे अपना एक और गोल दिखाती है जिसमें लिखा था कि वो घर पर आने वाले फोन कॉल्स को उठाना चाहती है और साथ ही वो स्कूल जाना चाहती है। सकुता ये सब देखकर कहता है ये बहुत सारे गोल्स हैं, नए साल को आने में सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं, मुझे नहीं लगता इतने बड़े गोल्स रखना सही रहेगा। कायदे सुनकर कहती है फिर तो घर से बाहर निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा। सकुता ये सुनकर कहता है क्यों ना हम कोई ऐसा गोल रखें जिससे तुम्हें बाहर जाने का मन करे। सकुता कहता है क्यों ना हम पांडा देखने चलें। कायदे पांडा का नाम सुनते ही खुश हो जाती है और पांडा देखने जाने के लिए मान जाती है। रात को माई डिनर बनाती है और तीनों साथ मिलकर डिनर करते हैं। इसी बीच सकुता को छोटी सोगो का कॉल आता है, इसे सुनकर कायदे डर जाती है। सकुता सोगो से पूछता है कि क्या उसने कोई लीडर भेजा था। सोगो मना कर देती है, साथ ही वो बताती है कि कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो अपनी बिल्ली से मिलने नहीं आ पाएगी। थोड़ी देर बाद कायदे सकुता से पूछती है कि अगर सोगो का कॉल फिर से आया तो क्या वो फोन उठा सकती है। सकुता इसके लिए मान जाता है। वही माई भी ये सुन लेती है और कायदे से पूछती है कि क्या वो उसके साथ प्रैक्टिस करना चाहेगी। कायदे ये सुनकर मान जाती है। वही माई दूसरे कमरे में चली जाती है और घर पर कॉल करती है। कायदे रिंग सुनकर डर रही होती है। वही सकुता कहता है कि यह माई का कॉल है। कायदे फोन उठाती है और माई उसे इसके लिए कांग्रेचुलेट करती है। तभी अचानक कायदे बेहोश होने लगती है और वो नीचे गिर जाती है, पर सकुता उसे पकड़ लेता है। कायदे माई को उसका एक गोल पूरा करने में मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है और साथ ही कहती है कि वो जल्द से जल्द पांडा देखने जाना चाहती है। रात को सोते समय सकुता कायदे को देखने जाता है, तभी वो नोटिस करता है कि कायदे के शरीर पर घाव के निशान जैसा कुछ दिख रहा है। सीन चेंज होता है और हम मिडिल स्कूल के सोगो को देखते हैं जो कि सकुता से बात कर रही होती है। सकुता सोगो से पूछता है कि आप इतने दयालु कैसे हो, मैंने जो कहा उसे सुनकर कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं करता लेकिन आपने किया। सोगो कहती है वो ऐसे ही है और वो ऐसे ही अपनी जिंदगी जीना पसंद करती है। वो कहती है कि वो रोज कल से थोड़ा ज्यादा दयालु बनने की कोशिश करती है। हम देखते हैं कि ये सब सकुता अपने सपने में दिख रहा होता है। काम के दौरान सकुता कुछ परेशान सा दिख रहा था, जिसे देख तोमई को उसकी चिंता होने लगती है। वो पूछती है कि क्या कुछ हुआ है, सकुता नहीं कहता है। रात को सकुता जब घर आता है तो वो कायदे को देखता है जो कि फोन पर माई से बात कर रही होती है। कायदे फोन सकुता को दे देती है और सकुता माई से बात करने लगता है। माई सकुता को बताती है कि कैसे वो अपने बालकनी से उसे घर आते हुए देख रही थी। साथ ही वो पूछती है कि क्या कायदे की तबीयत अब ठीक है। सकुता हाँ कहता है। साथ ही वो माई को कायदे की इतनी फिक्र करने के लिए शुक्रिया कहता है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं। माई सकुता को बताती है कि कायदे उसे कुछ दिखाना चाहती है। इतना कहकर वो फोन रख देती है। फोन रखते ही सकुता के पास कायदे आती है। कायदे सकुता को घर से बाहर निकलने का अपना प्लान बताती है। वहीं सकुता उसे पढ़ने लगता है। कुछ दिनों बाद माई कायदे के लिए अपनी बहुत सारी ड्रेसेस लाकर देती है जिसे वो अपने सूट के दौरान पहने हुई थी। कायदे ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। वहीं सकुता उसके लिए एक मिरर लेकर आया होता है। कुछ दिनों बाद कायदे खुद से एक ड्रेस पहनती है और जब सकुता स्कूल से घर आता है तो वो उसे कहती है कि वो बाहर जाना चाहती है। सकुता इसके लिए मान जाता है। कायदे सकुता से चिपक जाती है ये कहते हुए कि उसे डर लग रहा है। सकुता ये सुनकर कहता है कि अगर उसे डर लग रहा है तो वो ये कल कर सकते हैं। कायदे ये सुनकर मना कर देती है। वो कहती है कि अगर वो ऐसे ही डरती रहेगी तो वो कभी भी घर से बाहर नहीं जा पाएगी और अपने बड़े भाई के साथ वो पांडा देखने नहीं जा पाएगी। सकुता डोर ओपन करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कायदे ये देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और सकुता से पूछती है कि क्या वो बाहर निकल गए। सकुता नहीं कहता है, जिस पर कायदे कहती है कि वो इससे आगे और नहीं जाना चाहती, लेकिन तभी सकुता घर से बाहर निकल जाता है। वहीं कायदे भी दिखती है
कि वो भी घर से बाहर निकल चुकी है। वो ये देखकर रोने लगती है और वो रोते हुए सगुता को शुक्रिया कहती है। इसके बाद से कायदे अपनी कोशिश जारी रखती है और एक दिन वो बिल्डिंग से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। वो धीरे धीरे आसपास की जगह घूमने लगती है और एक दिन सगुता कायदे को बीच पर ले जाने का फैसला करता है। वह माई और नदुका के साथ मिलकर बीच पर जाते हैं और सभी वहाँ खूब मजे करते हैं। लेकिन तभी वहाँ कायदे के बचपन की दोस्त कुतुमी पहुँच जाती है और वो कायदे से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कायदे कहती है कि वो उसे नहीं जानती है। कुतुमी ये सुनकर हैरान हो जाती है। माँ ये देखती है और सगुता से पूछती है कि कायदे इस लड़की को पहचानने से इनकार क्यों कर रही है, जिस पर सगुता कहता है कि कायदे को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है, वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। सीन चेंज होता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक दिन सगुता अपनी बहन कायदे को सुबह उठाने के लिए जाता है और जब वो उठती है तो वो सगुता को देख चौंक जाती है। वो सगुता से पूछने लगती है कि वो कौन है। सगुता ये सुनकर हैरान हो जाता है। वहीं उसके मॉम डैड ये देखकर कायदे को तुरंत अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर्स बताते हैं कि कायदे को एक तरह का डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, जिसके चलते अब वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। उसे न तो अपने माता पिता याद है और न ही उसका बड़ा भाई। डॉक्टर बताते हैं कि ऐसा केस तब देखा जाता है जब कोई इंसान एक्सट्रीम स्ट्रेस या मेंटल ट्रॉमा से गुजरता है। हम देखते हैं कि सगुता ये सब नदुका और माई को बता रहा होता है। सगुता आगे बताता है कि कायदे को उसके क्लासमेट्स मैसेजेस के थ्रू बुरा भला कहा करते थे, जिसके चलते उसे एडोलेसेंस सिंड्रोम हुआ। कायदे अपने तकलीफों से छुटकारा पाना चाहती थी, शायद इसलिए वो अपनी बुरी यादों को भुलाने का फैसला करे, जिसके चलते एक नई कायदे का जन्म हुआ। सगुता बताता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस नई कायदे से कैसे बात करे, इसलिए वो उसके लिए कायदे की एक फेवरेट किताब लेकर उसे मिलने जाता है। वहीं ये नई कायदे उस किताब को देखती है और सगुता से पूछती है कि क्या मिस कायदे को ये किताब पसंद था। सगुता यह सुनकर हैरान हो जाता है। वो आगे बताता है कि कैसे ये कायदे उसकी बहन से कितनी अलग थे, उसके बात करने का तरीका, उसके खाने खाने का तरीका, उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसका चलना, उसका बैठना, सब कुछ बिल्कुल अलग था। एक दिन सगुता स्कूल से घर आता है और वो कायदे को देखता है। वो देखता है कि कायदे के चेहरे पर घाव जैसा कुछ निशान बन रहा है। सगुता भागते हुए अपनी मॉम के पास जाता है और उन्हें बताता है कि कैसे कायदे के शरीर पर फिर से वो निशान दिख रहे हैं। लेकिन सगुता को एहसास होता है कि उसकी मॉम अपनी मानसिक स्थिति खो चुकी है। उसी रात जब सगुता सो रहा होता है तो तभी उसे अपने चेस्ट पर बहुत तेज दर्द महसूस होता है और जब वो देखता है तो वो खून से लथपथ होता है। सगुता बताता है कि कैसे वो सबको बताने की कोशिश किया कि उसके और उसकी बहन के साथ क्या हो रहा है, लेकिन किसी ने भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया। सगुता इन सब से परेशान हो चुका था, इसलिए एक दिन वो अस्पताल से भाग जाता है और उसी दिन वो सोको माकिनोहारा से मिलता है। सगुता बताता है कि सिर्फ सोको ही थी जिसे उसकी बातों पर पूरा यकीन था, इसलिए वो अक्सर उससे मिलने और बातें करने के लिए अस्पताल से भाग जाया करता था। और जब भी वो बीच पर पहुंचता तो उसे वहाँ सोको मिलती जो उसका इंतजार कर रही होती। सोको से बात करते हुए सगुता सोको से पूछता है कि वो उसके जैसे कैसे बन सकता है, जिस पर सोको कहती है दूसरों की बातें सुनकर, लोगों की मदद कर और लोगों के प्रति दयालु बनकर। सगुता ये सुनकर नई कायदे को अपनाने का फैसला करता है और अस्पताल से छूटने के बाद सगुता कायदे के लिए एक नोटबुक और एक पेन लेकर जाता है। वो कायदे से कहता है कि वो इसमें अपनी रोजमर्रा की बातें लिख सकती है, जैसे वो पूरे दिन में क्या क्या करी। सगुता कायदे को सबसे पहले अपना नाम लिखने के लिए कहता है और जब कायदे अपना नाम लिख रही होती है तो सगुता उसे अपना नाम नए तरीके से लिखने के लिए कहता है, ये बताते हुए कि अभी जो कायदे है वो अलग कायदे है। कायदे ये सुनकर रोने लगती है, ये कहते हुए कि सिर्फ वही है जो उसे समझ सकता है। इसके बाद दोनों अलग रहने का फैसला करते हैं। सगुता चाहता था कि उसकी बहन की याददाश्त वापस आ जाए, पर साथ ही उसे फिक्र थी कि अगर ऐसा होता है तो इस कायदे का क्या होगा। बैक इन द प्रेजेंट हम देखते हैं कि सगुता ये सब माई और नदुका को बता रहा होता है। माई ये सब सुनकर कहती है कि वो ये बात उन्हें पहले भी बता सकता था, जिस पर सगुता कहता है कि वो कायदे को पहली बार किसी से इतने घुलते मिलते देख रहा था, इसलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं बताने का फैसला किया। खैर सुबह हो जाती है और सगुता कायदे को उठाने जाता है, पर वो देखता है कि कायदे अजीब अजीब हरकतें कर रही है। सगुता पूछता है कि वो क्या कर रही है। वहीं कायदे बताती है कि कैसे उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा है। सगुता देखता है कि कायदे का शरीर पर फिर से वो निशान दिखने लगे हैं। स्कूल पर लंच ब्रेक के दौरान माई और सगुता साथ में लंच कर रहे होते हैं, जहां माई सगुता को बताती है कि कैसे वो एक मूवी शूट के चलते कुछ हफ्तों के लिए शहर से बाहर जा रही है। माई सगुता से कहती है कि अगर कुछ होता है तो वो उसे कॉल जरूर करे। सगुता ये सुनकर कहता है कि अगर कुछ भी नहीं होता है तो भी वो कॉल जरूर करेगा। माई ये सुनकर कहती है कि वो कायदे की बात कर रही थी, अगर कायदे को कुछ होता है तो वो उसे कॉल जरूर करे। स्कूल के बाद सगुता घर पहुंचता है और वो कायदे को स्कूल ड्रेस पहनते हुए देखता है। कायदे बताती है कि वो अब स्कूल जाना चाहती है। सगुता ये सुनकर कहता है कि स्कूल कहीं नहीं भाग रहा है, हम ये किसी और दिन भी कर सकते हैं। वहीं कायदे पूछती है कि वो लड़की कौन थी जो हमें
कल 20 पर मिले थे। साकुता बताता है कि वो कायदे के बचपन की दोस्त है और वो हमारे पड़ोस में ही रहती थी। कायदे और वो बहुत ही अच्छे दोस्त है। साकुता कायदे को एक बुक देता है ये कहते हुए कि कल बीच पर वो लड़की तुम्हें यानी कायदे को ये बुक देने आई थी। ये कायदे की फेवरेट बुक है। कायदे उस बुक को देखती है और उसे उसके अंदर एक नोट मिलता है। कायदे नोट पढ़ती है जिसमें कुतुमिन ने लिखा था कि वो फिर से कायदे की दोस्त बनना चाहती है। ये पढ़ते ही कायदे को कुतुमिन की याद आ जाती है। वही साकुता ये देखकर शॉक हो जाता है और तभी कायदे बेहोश हो जाती है। कायदे को तुरंत अस्पताल लाया जाता है। वही डॉक्टर्स बताते हैं कि जब तक कायदे को होश नहीं आ जाता तब तक वो कुछ नहीं कह सकते। शायद इस बार जब उसे होश आए तो वो पहली वाले कायदे भी हो सकती है। साकुता जाकर कायदे के पास बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद कायदे को होश आ जाता है। साकुता उससे पूछता है कि क्या वो कायदे है, जिस पर वो हाँ कहती है। सीन चेंज होता है और हम साकुता को देखते हैं जो कि माई से बात कर रहा होता है। वो माई को बताता है कि अब कायदे की तबीयत ठीक है और उसे जल्द ही छुट्टी मिलने वाली है। अस्पताल से रिलीज होने के बाद साकुता कायदे से पूछता है कि वो सबसे ज्यादा क्या करना चाहती है। कायदे कहती है कि वो पुडिंग खाना चाहती है, जिस पर साकुता कहता है कुछ इससे भी बड़ा। साकुता बताता है क्यों ना हम पांडा देखने चले। कायदे ये सुनकर कहती है कि वो पांडा देखने नहीं बल्कि स्कूल जाना चाहती है। साकुता इस बारे में अपने डैड से बात करता है, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि वो कायदे के स्कूल से इसकी बात करेगा। साथ ही वो साकुता से पूछते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से उन्हें कब मिला रहा है। वहीं साकुता कहता है जल्द ही 20 नवंबर मैं अपने सूट के चलते दूसरे शहर जा रही हैं। मैं साकुता से कहती हैं कि वो 2 हफ्ते में लौट आएंगे। साथ ही वो कहती हैं कि वो साकुता को रोज रात को कॉल करेंगे। साकुता ये सुनकर कहता है कि वो रोज रात को उनके कॉल का इंतजार करेगा। मैं वहाँ से चली जाती हैं। नुदोका साकुता से पूछती हैं कि क्या उसे कायदे के बारे में सोचकर डर लग रहा है। साकुता हाँ कहता है, पर साथ ही वो कहता है कि वो कायदे का बड़ा भाई है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वो अपनी छोटी बहन को नहीं दिखा सकता। साकुता आगे कहता है कि वो कायदे के लिए कुछ करना चाहता है पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। नुदोका ये सुनकर चुप हो जाती है। 2 दिन बाद स्कूल के तरफ से एक काउंसलर साकुता के घर उनसे मिलने आती है। वो साकुता और कायदे से बात करती है। काउंसलर बताती है कि कायदे स्कूल आ सकती है लेकिन उसे क्लासरूम आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो चाहे तो वो स्कूल के नर्सेस ऑफिस पर भी रुक सकती है। कायदे ये सुनकर पूछती है क्या नर्सेस ऑफिस जाना स्कूल जाने के बराबर है, जिस पर काउंसलर हाँ कहती है। कायदे ये सुनकर स्कूल जाने के लिए मान जाती है। अगले दिन साकुता कायदे को स्कूल छोड़ने जाता है। साकुता देखता है कि कायदे थोड़ी घबराई हुई है। इतने में कायदे को स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं जो कि हंस रहे होते हैं। कायदे ये देखकर डर जाती है। वहीं साकुता उससे कहता है कि वो तुम पर नहीं हंस रहे हैं। साकुता देखता है कि कायदे अभी भी डरी हुई है। साकुता उससे कहता है क्यों ना हम कल कोशिश करें। 3 दिन बाद कायदे फिर से स्कूल जाने के लिए घर से निकल जाती है और साकुता उसके साथ ही होता है। साकुता नोटिस करता है कि कायदे के शरीर पर फिर से वही निशान बन रहे हैं। वो कायदे से कहता है कि क्यों ना हम आज की प्रैक्टिस यही खत्म करें। कायदे ये सुनकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं साकुता उसका पीछा करता है और वो कायदे को पकड़ लेता है। वो कहता है वो कल कोशिश करेंगे, जिस पर कायदे कहती है कि उसके पास कल कोशिश करने का समय नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कायदे आज भी कुछ स्टूडेंट्स को देखती है और उनसे छुपने की कोशिश करती है। वो कहती है वो कितनी भी कोशिश करे वो इससे आगे नहीं बढ़ पा रही है। साकुता ये सुनकर कहता है क्यों ना हम छोटा सा ब्रेक लें। हम देखते हैं कि साकुता कायदे को कहीं ले जा रहा होता है। वो उसे जू घुमाने लाया होता है। कायदे ये देखकर खुश हो जाती है। कायदे जल्द से जल्द पांडा देखने जाती थी इसलिए वो साकुता को खींचते हुए अपने साथ पांडा देखने ले जाती है और दोनों पांडा देखते हैं। इसके बाद दोनों और भी बहुत से जानवरों को देखते हैं और दिन के आखिर में कायदे कहती है कि वो यहाँ फिर से आना चाहती है। वहीं साकुता उसे अपना एनुअल पास दिखाता है ये कहते हुए कि हम जब चाहे तब यहाँ आ सकते हैं। वो कायदे से कहता है अगर वो चाहे तो वो यहाँ रोज आ सकती है। कायदे ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि वो यहाँ रोज आना चाहेगी। दोनों स्टेशन पहुँचते हैं। वहीं कायदे सामने के स्टोर से कुछ सामान खरीदती है। दोनों घर जा रहे होते हैं लेकिन साकुता कायदे को एक दूसरे रास्ते पर चलने के लिए कहता है ये कहते हुए कि ये एक शॉर्टकट है। साकुता कायदे को उसके स्कूल पर ले जाता है और दोनों अंदर जाने का फैसला करते हैं। साकुता कायदे को पूरे स्कूल की सैर कराता है और उसे उसका क्लासरूम और डेस्क दिखाता है जहां वो बैठने वाली थी। कायदे ये देख कहती है कि वो कल स्कूल जरूर आएगी। साथ ही वो कहती है कि इसी के साथ उसका सारा गोल पूरा हो जाएगा। साकुता ये सुनकर कहता है फिर तो हमें सेलिब्रेट करना पड़ेगा। कायदे कहती है उससे कल का इंतजार नहीं हो रहा है और दोनों घर चले जाते हैं। अगले दिन साकुता कायदे को उठाने जाता है और जब वो उठती है तो वो अपने बड़े भाई को देख चौंक जाती है। वो साकुता से कहती है कि वो कुछ बदला सा दिख रहा है। साकुता कायदे से पूछता है कि क्या वो कायदे है, जिस पर वो हाँ कहती है। पर साथ ही वो साकुता से पूछती है कि उसे हो क्या गया है, वो इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा है। साकुता ये सुनकर शॉक हो जाता है और तभी सीन चेंज होता है। हम माई को देखते हैं जो कि अपनी छोटी बहन नोदुका से मैसेजेस के जरिए बात कर रही होती है। इसके बाद वो साकुता को कॉल करती है पर लाइन बिजी बता रहा होता है। हम देखते हैं कि साकुता अपने डैड से बात कर रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि कायदे की याददाश्त अब वापस आ चुकी है। साकुता और उसके डैड डॉक्टर से मिलते हैं। वही डॉक्टर बताते हैं कि हो सकता है कि कायदे को ये सब थोड़ा अजीब लगे पर धीरे धीरे उसे सब समझ आ जाएगा, इसलिए जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक उसे यहाँ ऑब्जर्वेशन में रखना होगा।
दोनों कायदे से मिलते हैं। कायदे के डैड अपनी बेटी को फिर से उनसे बात करते देख रोने लगते हैं। वही साकुता बाथरूम जाने के बहाने वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। बाहर आकर साकुता रोने लगता है। वो चिल्लाते हुए अस्पताल से बाहर भाग जाता है। वो रोते हुए कायदे को याद करने लगता है। उसके लिए ये सब ऐसा था जैसे वो अभी अभी अपनी छोटी बहन को खो दिया है। साकुता कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए ही तो वो एनुअल पास लिया था। तुमने कहा था कि हम फिर से पांडा देखने जाएंगे। तुम तो आज स्कूल जाने वाली थी, फिर ऐसे अचानक तुम कहाँ चले गई? ये सब साकुता कायदे से कह रहा होता है, उस कायदे से जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। अचानक साकुता को अपने चेस्ट पर बहुत तेज दर्द महसूस होने लगता है। वो देखता है कि उसके चेस्ट पर से खून निकल रहा है। तभी अचानक साकुता को सुको की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो देखता है तो उसके सामने सुको खड़ी होती है। सोको साकुता से कहती है कि अब वो यहाँ आ गई है और वो सब ठीक कर देगी। सोको साकुता को उसके घर ले आती है और उसका शर्ट उतारती है। सोको साकुता से पूछती है कि क्या वो उसका पैंट भी उतार सकती है, जिस पर साकुता कहता है कि वो खुद उतार लेगा। साकुता नहाने चला जाता है। वहीं सोको दरवाजे के बाहर बैठ जाती है। साकुता सोको से कहता है कि वो कायदे के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। सोको ये सुनकर कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, तुमने अपनी पूरी कोशिश की। सोको साकुता को कायदे की डायरी पढ़कर सुनाती है। कायदे ने लिखा था कि वो बहुत शुक्रगुजार है जो उससे साकुता की बहन बनने का मौका मिला। वो आगे लिखती है कि साकुता ने उसे एक नया नाम, एक नया पहचान दिया। उसे पता है कि उसका बड़ा भाई उससे कितना प्यार करता है और उसे ये भी पता है कि जब वो उसकी जिंदगी से दूर चली जाएगी तो उसका बड़ा भाई बहुत ही दुखी हो जाएगा। कायदे लिखती है कि वो ये नहीं चाहती है, इसलिए वो भी अपनी पूरी कोशिश करेगी। वो आगे लिखती है कि वो अपने लिए कुछ गोल्स बना रही है और इसे वो अपने भाई के साथ मिलकर पूरा करेगी, ताकि उसके जाने के बाद उसके भाई को कोई पछतावा ना हो कि वो अपनी छोटी बहन के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। साकुता ये सब सुनकर रोने लगता है। अगले दिन साकुता सोकर उठता है और उसे टेबल पर सुको का एक नोट पड़ा मिलता है। इसके बाद वो किचन में जाता है और उसे जो भी खाने को मिलता है वो उसे खा लेता है। साकुता माई का एक मैसेज सुनता है और उसे कॉल करता है। माई फोन उठाती है। उस साकुता से पूछती है कि क्या कायदे स्कूल जाने में कामयाब रही, जिस पर साकुता नहीं कहता है। साथ ही वो माई को कायदे के बारे में बताता है कि कैसे उसकी याददाश्त अब वापस आ चुकी है। माई ये सुनकर हैरान हो जाती है। वहीं साकुता आगे कहता है कि पिछले 2 सालों में जो कुछ भी हुआ है, कायदे को उस बारे में कुछ भी याद नहीं है। शायद आपको फिर से उससे मिलाना पड़ेगा। माई साकुता से पूछती है कि क्या वो ठीक है। साकुता सुनकर कहता है कि कल तक वो बहुत ही परेशान था, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक है। तभी माई को उसके मैनेजर बुलाने लगती है और माई फोन रख देती है, ये कहते हुए कि वो बाद में बात करेंगी। साकुता अस्पताल कायदे से मिलने जाता है। कायदे साकुता से पूछते हैं कि वो कल कहाँ चला गया था, जिस पर साकुता कहता है कि कल उसका पेट खराब था, इसलिए वो पूरे समय टॉयलेट में बैठा रहा। साकुता कायदे से पूछता है कि क्या उसे पांडा पसंद है। कायदे हाँ कहती है। वहीं साकुता पूछता है कि क्या वो उसके साथ देखने चलेगी। कायदे ये सुनकर कहती है कि अपनी बहन के साथ जाने के बजाय तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड ढूंढना चाहिए और उसके साथ जाना चाहिए। साकुता ये सुनकर कहता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। कायदे ये सुनकर शौक हो जाती है। वहीं साकुता कहता है कि मैं तुम्हें उससे जल्द ही मिलाऊंगा, तो तैयार रहना। अगले दिन साकुता फुतावा से मिलता है। वो बताता है कि कैसे वो छोटी सोको को कॉल करने की कोशिश कर रहा है पर उसका कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है और बड़ी सोको भी अब पूरी तरह से गायब हो चुकी है। फुतावा ये सुनकर कहती है कि शायद बड़ी सोको कभी अस्तित्व में थे ही नहीं, हो सकता है वो सिर्फ तुम्हारी कोई इमेजिनेशन हो जो तभी सामने आती है जब तुम्हें उसकी जरूरत होती है। साकुता ये सुनकर चौंक जाता है। स्कूल से घर आने के बाद साकुता अपने कपड़े बदल रहा होता है और तभी डोर की बेल बजती है। साकुता देखता है कि बाहर माई सनपाई खड़ी है। वो सोचने लगता है कि कहीं ये भी कोई इमेजिनेशन तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। माई सच में साकुता से मिलने आई होती है। साकुता माई से पूछता है कि क्या उसका सूट पूरा हो गया। माई नहीं कहती है। साथ ही वो कहती है कि वो कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाएंगी। माई साकुता को कपड़े पहनने के लिए कहती है और वो उसके लिए चाय बनाने चली जाती है। तभी माई को टेबल पर सोको का नोट पड़ा मिलता है। वो उसे पढ़ती है। साकुता ये देख लेता है और भागते हुए माई के पास आता है। माई पूछती है कि ये क्या है। वही साकुता बताता है कि कैसे जब कायदे की मेमोरीज वापस आई थी तो उस दिन सोको भी अचानक से अपीयर हुई थी। साकुता आगे बताता है कि वो बहुत ही डिप्रेस था और सोको ने उसे चीयर अप किया। साकुता बताने की कोशिश करता है कि उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ था और वो उसके सोते ही चली गई थी। माई ये सुनकर वापस जाने का फैसला करती है और वो वहाँ से चली जाती है। साकुता माई का पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। साकुता माई से माफी मांगता है। वही माई कहती है कि वो ये सब सुनने के लिए उसे डेट नहीं कर रही है। अगले दिन साकुता का हालत खराब हो जाता है। काम के दौरान कुनेमी और तोमे उससे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन साकुता कुछ भी नहीं कहता और वो अपने काम पर वापस लौट जाता है। छुट्टी के बाद साकुता से नोजोका मिलने आती है। नोजोका बताती है कि कैसे माई उससे मिलने के लिए अपना काम बीच में छोड़कर आई थी, पर उसके वजह से वो अभी दुखी है। साकुता ये सुनकर कहता है, माई को लगता है मेरे और सोको के बीच कुछ चल रहा है। नोजोका कहते हैं, मुझे लगा नहीं था
तुम्हारी सोच इतनी छोटी होगी। मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा है, वो तुम पर कभी भी शक नहीं कर सकती। उन्हें पता है हाल ही में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, इसलिए वो बस तुम्हें चीयर अप करना चाहती थी, इसलिए वो अपना बर्थडे तुम्हारे साथ मनाना चाहती थी। सगुता यह सुनकर हैरान हो जाता है। वही नुदुका बताती है कि आज माई का बर्थडे है। साथ ही वो सगुता से कहती है, तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें तुम्हारे गर्लफ्रेंड का बर्थडे तक पता नहीं। सगुता नुदुका से उसका फोन मांगता है और वो तुरंत ही बुलेट ट्रेन चेक करने लगता है जो दूसरे शहर को जाती है। सगुता ट्रेन में सवार होकर दूसरे शहर के लिए निकल जाता है और कुछ मिनटों में ही वो वहां पहुंच जाता है। सगुता भागते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां माई की शूटिंग चल रही है। माई सगुता को देख पूछती है कि वो यहां क्या कर रहा है और तभी सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि दिन खत्म होने में सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हैं। वहीं सगुता माई को हैप्पी बर्थडे विश करता है। वहीं माई कहती है कि वो लेट है। दोनों एक जगह पर रुकते हैं और वे साथ में एक जैकेट शेयर करते हैं। सगुता माई से माफी मांगता है। वहीं माई सगुता से कहती है कि उसे पता था कि वो किन मुश्किलों से गुजर रहा था, वो तो बस उसके मुश्किल हालातों में उसके साथ रहना चाहती थी, पर वो थोड़ी लेट हो गई। माई सगुता से माफी मांगती है ये कहते हुए कि जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो उसके साथ नहीं थी। सगुता ये सुनकर कहता है, आप मेरे साथ अभी यहाँ मौजूद हो, मैं इसमें ही बहुत खुश हूँ। माई ये सुनकर सगुता को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है। सगुता अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लग रहा था कि आज उसे एक किस मिलने वाला है, पर उसे ये मिलता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कायदे की डायरी पढ़ रही होती है और तभी वहाँ सगुता आ जाता है। कायदे डायरी छुपा लेती है, साथ ही वो सगुता को उसका ख्याल रखने के लिए शुक्रिया कहती है। वहीं सगुता उसे बताता है कि कोतोमी उसे मिलना चाहती थी। सगुता कायदे से पूछता है कि क्या कुछ ऐसा है जो वो करना चाहती है। कायदे हाँ कहती है। वो कहती है कि वो स्कूल जाना चाहती है। सगुता यह सुनकर पूछता है कि क्या उसे अब डर नहीं लग रहा है, इस पर कायदे नहीं कहती है। ये कहते हुए कि वो अब पहले की तरह अकेली नहीं है। और ये एपिसोड यही समाप्त हो जाता है। इसका अगला एपिसोड एक मूवी होने वाला है जो जल्द ही आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। मूवी में हमें सोको के बारे में बताया जाएगा कि क्या वो सच में है या फिर वो सिर्फ सगुता के एक इमेजिनेशन है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।